नमस्कार। ऐसे माइंडसेट वाले लोग ध्यान रखना, जिनका माइंडसेट ऐसा होता है ना, वो लाइफ में कभी रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े विद्वान लोग और बड़े बड़े लोग जिन्होंने आविष्कार किया, जिन्होंने इनोवेशन किया है, जो सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़े हैं, जो टॉप पर पहुंचे हैं, उनका माइंडसेट हमेशा ऐसे ही रहा है। सफल लोगों का माइंडसेट सिर्फ ऐसा रहा है। और उनका माइंडसेट कैसा रहा है पता? जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा। ध्यान रखना, उनको क्या कहते हैं, उनका माइंडसेट हमेशा क्या होता है, जो मेरे को आता है वो मैं कर लूंगा, लेकिन जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। ध्यान रखना, वो कभी ये नहीं कहते यार जो आता है वो मैं कर लूंगा, जो नहीं आता है वो मैं नहीं करूंगा, वो मेरे से नहीं होगा। ये बात सक्सेस लोग कभी नहीं करते, वैज्ञानिक लोग कभी नहीं करते, इनोवेशन करने वाले, आविष्कार करने वाले ये कभी नहीं कहते। आविष्कार करने वाले पता है उनको क्या, आविष्कार करने से पहले उनको सब कुछ पता होता है कि यार मैं आविष्कार करूंगा ऐसे 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 करके फट, मतलब दो मिनट में आविष्कार कर लूंगा, ऐसे होता है? नहीं। अभी कोविड आया था, कोरोना आया था, उसके लिए वैक्सीन बनाई गई, तो क्या डायरेक्ट ऐसे ही बनाई गई, ऐसे ही ये कंटेंट मिला के वैक्सीन बन गई? उसके लिए उन वैज्ञानिकों को कितना सीखना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या उनको सबको पहले से पता था? क्या पहले से उनको सब आता था? नहीं। उनका माइंडसेट कैसा था? जो हमें आता है वो हम कर लेंगे, जो नहीं आता है हम सीख लेंगे। ध्यान, माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना है। कभी ऐसा मत रखना कि यार नहीं यार ये तो मेरे को आता, ठीक है ये मैं कर लूंगा, लेकिन वो चीज मेरे को नहीं आती, वो मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं। क्यों? आप कहो ना वो मेरे को नहीं आती लेकिन मैं सीखूंगा, ऐसा माइंडसेट रखो ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं, और यार अब तो हमारी उम्र होगी यार, अब क्या सीखे, ये हमसे नहीं होता है, आप किसी और से करवा लेना। लाइफ का नंबर वन रूल, जब आपने सीखना बंद किया आपकी ग्रोथ वहीं रुकी। सीखना कभी बंद नहीं होता है, चाहे आपकी एज कोई सी भी हो, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, सीखना तो आपको हमेशा पड़ेगा। क्या हर चीज आपके लिए वही पुरानी आती रहेगी? नहीं। लाइफ में कुछ न कुछ तो आपके सामने नया आता रहेगा, तो सीखना तो आपको पड़ेगा। तो माइंडसेट अपना हमेशा सफल लोगों के जैसा माइंडसेट रखना। जो सफल लोग होते हैं ना उनका माइंडसेट ऐसे ही होता है, जो टॉप पर पहुंचे हुए होते हो ना उनका माइंडसेट हमेशा ऐसे होता है। ये नहीं मेरे को ये नहीं आ रहा है तुम कर लेना वो कर लेना, नहीं मैं सीखूंगा मैं सीख लूंगा, ये उनका माइंडसेट होता है। एलन मस्क की कंपनी है, वो अंतरिक्ष में लोगों को शेयर करवाते हैं रॉकेट, उन्होंने किताबों में पढ़ पढ़ के रॉकेट बना लिया, किताबों में पढ़ पढ़ के। अब आप देखोगे, अब वो कहते हैं नहीं यार ये उनके टेस्ला, उनके तो कार बनाने की कंपनी है, लेकिन उन्होंने रॉकेट के फील्ड में भी कदम रखा। वो कह सकते थे यार इस फील्ड का मुझे अनुभव नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने सीखा, रात दिन एक किया और उस फील्ड में आए और सक्सेस हुए। तो यही तो आपको करना है, सफल लोगों के जैसा माइंडसेट आपको रखना है। यही कहे कि जो मुझे आ रहा है मैं कर लूंगा, जो नहीं आ रहा उसको भी मैं सीखूंगा। दूसरों के भरोसे नहीं रहे, ध्यान रखना, दूसरों के भरोसे पर ठीक है आपके पास पैसा है, मैन पावर है, सब कुछ है, आप दूसरों से करा लोगे, लेकिन इन कंडीशन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी रहो आपको करना पड़ा, तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त तो आपका काम ठप हो जाएगा, आप तो दूसरों के भरोसे रहोगे, ऐसा काम क्यों करना है? आप जिस फील्ड के महारथी हो, आप जिस फील्ड की कंपनी चला रहे हो, उसका नॉलेज तो आपको भी होना चाहिए। भले ही आपके पास पैसा है, भले ही आपके पास मैन पावर है, आप सब कुछ करवा लोगे, लेकिन फिर भी आपको तो नॉलेज होना जरूरी है, आपको तो सीखना जरूरी है ना। तो माइंडसेट सफल लोगों के जैसा रखना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप जीवन में कुछ अचीवमेंट कर पाओगे। वरना तो क्या है, अरे यार ये मेरे को नहीं आता यार, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये आप किसी और से करवा लो यार, हाँ मेरे को आता मैं कर लूंगा, ऐसा माइंडसेट कभी मत रखना। माइंडसेट यही रखना कि जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीखूंगा, और जो मुझे आता है वो तो मैं 100% रूप से कर लूंगा। सफल लोगों का यही माइंडसेट होता है, और वो इसी कारण सफलता की सीढ़ियां चढ़े और सफलता के टॉप पर पहुंचे।